गुरुग्राम में नगर निगम चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक तरफ जहां जिला प्रशासन वार्ड बंदी के काम को अंतिम रूप देने में जुटा है, वहीं भाजपा ने नगर निगम चुनावों के लिए उम्मीदवारों के आवेदन लेने भी शुरू कर दिए हैं। शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने बताया कि वार्ड और मेयर का चुनाव लड़ने वाले करीब 170 उम्मीदवारों के आवेदन ले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है जिसका कार्यकर्ता हर वक्त चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहता है। ऐसे में जिसे भी चुनाव लड़ना हो वो मैदान में आ सकता है। जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश नेतृत्व में गुड़गांव नगर निगम की जिम्मेवारी दी है, तो उसके चुनाव की दृष्टि से आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारे जो चुनाव की तैयारियां होती हैं वो मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख तक होती हैं। तो ये एक तैयारी का हिस्सा है। हमारे इतने लोग हैं चुनाव लड़ने वाले, इतने इच्छुक सब लोग हैं, तो इस दृष्टि से मैं यहाँ आया था और काफ़ी कार्यकर्ताओं से मिला। लगभग 170 कार्यकर्ताओं ने अपने आवेदन दिए हैं, अपनी इच्छाएं जाहिर की हैं, तो उन सबके बायोडाटा हमने लिए हैं। इन पर विचार करेगी पार्टी और अभी तो और भी बहुत लोग हैं। हो सकता है कि ये सेशन आज ही समाप्त ना हो, एक दो दफ़ा, दो तीन दफ़ा और भी करना पड़े। तो बड़ी अच्छा उत्साह है सब में, लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छी तैयारी है हमारे कार्यकर्ताओं की। अगली खबर जींद से है, जहां पर पिछले कई दिनों से गन्ने का दाम बढ़ाने को लेकर चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है और जींद की चीनी मिल में कोहलू दोबारा चालू होने से मिल प्रबंधक ने भी राहत की सांस ली है। वहीं अब किसान भी गन्ना लेकर मिल पहुंच रहे हैं। जींद की चीनी मिल के प्रबंधक ने पीटीसी न्यूज से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते। सप्ताह के बाद फिर एक बार फिर जो है चीनी मिल के कोहलू चले हैं। एक सप्ताह से जो है चीनी मिल बंद था क्योंकि जो किसान है वो गन्ने का भाव बढ़वाने के लिए जो है यहाँ पे धरना दिए हुए थे और या बात की जाए तो करीबन 7 दिनों तक उनका धरना प्रोटेस्ट चला। हरियाणा सरकार ने 10 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव बढ़ाया है, जिसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन खत्म किया और अपना गन्ना यहाँ पे लाना शुरू कर दिया है। सर, एक सप्ताह से कोल्लू बंद थे, कैसे देखते हैं? अभी एक सप्ताह लगभग 5 या 6 दिन के बाद हमारा मिल दोबारा स्टार्ट हुआ है और हमारी मिल फुल कैपेसिटलाइजेशन में चल रही है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के अंदर हमारी मिल इस टाइम भी नंबर वन है। 5 दिन बंद रहने के बाद भी हमारी मिल नंबर वन चल रही है और चीनी की गुणवत्ता भी इस बार बहुत ही अच्छी है। और जैसे वाइट कलर जो चीनी का इतना ज़बरदस्त अब की बार आया है और गन्ने के अंदर भी शुगर रिकवरी ज़्यादा आ रही है, इसलिए अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल चीनी की गुणवत्ता भी कायम रहते हुए हमारी रिकवरी रेट इतनी ज़्यादा हो कि हम कोई नया कीर्तिमान स्थापित कर पाए। सर, का साफ तौर पर यह कहना है कि एक सप्ताह से मिल बंद था और जो है 27 तारीख से जो है मिल दोबारा से शुरू हुआ है और बात की जाए तो किसानों ने अब अपना गन्ना यहाँ लाना शुरू कर दिया है और मिल का जो गोल रुके हुए थे अब वो दोबारा से एक बार फिर चल पड़े हैं। अपने किशोर कुमार के साथ परमजीत पवार, पीटीसी न्यूज जींद। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, प्रदेश की और खबरों के साथ एक बार फिर से लौटेंगे। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ, जल्द हाजिर होते हैं।